हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग का लास्ट डे था रांची में, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से रिटर्न होने वाले थे। तो कोको जो है वो बेड के अंदर चला गया था, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। बहुत मेहनत से हम लोग उसको निकाले हैं, एकदम हम लोग को परेशान कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं निकलना चाह रहा था। नहीं नहीं, ये जो लगाए है ना, क्या है ये? तो बना दिए चूहा, चूहा बना दिए लक्ष्मण रेखा की जगह पे। तो हम लोग नानी को टाटा बाय करके निकल चुके थे, और आज था आदिवासी दिवस, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ था रोड पे भी, और बहुत ज़्यादा पोस्टर्स लगा हुआ था आदिवासी महोत्सव का। मतलब जितने मतलब पूरा का पूरा रांची के रोड में हम लोगों ने देखा कि पूरा आदिवासी महोत्सव का पोस्टर लगा हुआ है, भर भर के हर एक जगह पे, कम से कम 5 से 6 एक रोड में पोस्टर्स लगा हुआ था। तो फिर हम लोग वो देखते हुए निकल पड़े पतरातू वैली घूमने के लिए। ये लोग आई हैं कोको को खिलाने, कार्ड में देख ली है, उसके पास आ गई है। ले लो लो गोदी लो, पकड़ो अच्छा से पकड़ो, अच्छा से पकड़ो ना, खाली बस चाहते हैं तुमको प्यार करेगा इसे। दो हम पीछे से पकड़ लेते हैं, जाओ इधर देखो, इधर देखो, खिंचा लो कोको, फोटो देखो कोको, फोटो 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 उधर देखो, फोटो देखो, फोटो फोटो बच्चा के पास नहीं जाता, लीजिए बच्चा के साथ नीचे से खेलता है, बच्चा के साथ नीचे से जानता ही नहीं, बच्चा गिरा देगा। सब लोग यहाँ पे अभी आए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सीन है, इसलिए सब लोग यहाँ पे रुक रुक के और फोटो खिंचवा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ गए पतरातू वैली के लिए, और ये जो रोड आप देख रहे हो ये पतरातू वैली का है, और इतना सुंदर था लेकिन इतना भयानक भी था। मैं अभी आपको दिखेगा लेफ्ट में, इसे गूगल मैप पे जो हम लोग सर्च करके जा रहे थे, तो गूगल मैप पे हम लोग को ऐसा दिखा था ये, और यहाँ पे से हम लोगों को वो जो आपको पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, वो पूरा वहाँ से हम लोग आए हैं, वो पूरा गोल गोल घूम के ऊपर से नीचे तक हम लोग आए हैं। पतरातू वैली वही है जहाँ से हम लोग आए हैं, और इतना सुंदर रोड था, और यहाँ पे हम पहुँच गए थे पतरातू डैम। ये है पतरातू डैम, बहुत सुंदर है, एकदम शांत है, आ सकते हो आप लोग, और यहाँ पे बस मतलब मस्त 1-2 घंटे एकदम अकेले ऐसे बैठ के बता सकते हो, इट्स वेरी नाइस। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या पूजा कर रहे हैं या क्या, पता नहीं, या तो फिशिंग कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए हम लोग कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करवा लिए, अब हम लोग थोड़ी देर में यहाँ से जाएंगे, थोड़ा सा मतलब यहाँ का नज़ारा इंजॉय करके। वैसे यहाँ पे बोटिंग भी होता है, बट अभी शायद चल नहीं रहा है अपना, किसी को देख नहीं रहे यहाँ पे करते हुए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अभी मम्मी फोटो खिंचाएगी, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। ओके, इतना सुंदर ये देखिए।
फोटो सेशन हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तब वहाँ कैसा लगा? अच्छा, चलते हैं आगे। यहाँ से इस डैम में जो बोट चलता है उसका प्राइस है, एक पूरा छोटा वाला बोट करते हैं उसका 500 रुपीज, एंड बड़ा वाला कितना रेडी? बड़ा वाला बोट का 1000 रुपीज। एंड बोट ही बुक होता है, पर पर्सन के हिसाब से बुक नहीं होता। इफ यू वांट टू गो देन यू कैन बुक द बोट। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं पलानी वाटरफॉल इस तरीके के रास्ते के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तीस लो, नहीं 40 है, टू व्हीलर का बना देना। सो ये है पलानी फॉल, इसको पतरातू फॉल भी कहते हैं। एंड यहाँ पे पानी है ही नहीं क्योंकि इस एरिया में बारिश हुआ नहीं है, सिर्फ रांची में बारिश हुआ है, इस वजह से यहाँ पानी नहीं है। बट ये बहुत सुंदर जो जगह है वो बहुत सुंदर है। चलिए आगे चलते हैं और आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ से फॉल कैसा दिखता है। बिकॉज अभी के टाइम पे अगर आप यहाँ आओगे, इससे बेटर आप जोना फॉल चले जाओ। अगर यहाँ आओगे तो आपको कुछ भी मतलब इतना रिग्रेट फील करोगे बिकॉज पानी बहुत थोड़ा गिर रहा है। बट अगर आप टाइम स्पेंड करने के लिए आना चाहते हो तो ये पार्क जैसा बना हुआ है, आप आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। मौसम भी काफ़ी सुहाना है यहाँ का। ये है फॉल उत्तरातू वाला, जहाँ से एकदम थोड़ा सा पानी आ रहा है और वहाँ पे आप जाके फोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं करा सकते। लोग हैं नीचे में बट उतना सेटिस्फैक्ट्री फॉल नहीं है। सो अभी हम लोग फिर से यहाँ से निकल रहे हैं एंड यहाँ से हम लोग घर जाएंगे रास्ते से। ये हम लोग को रास्ते में पड़ा था पतरातू डैम, तो हम लोग इसको घूम लिए, पतरातू वैली भी घूम लिए जो कि ऑलरेडी आपको दिखा चुके हैं, साथ ही साथ पतरातू वाटरफॉल भी घूम लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ से घर के लिए निकलेंगे और अगर कोई और वाटरफॉल्स भी होगा जो बढ़िया होगा तो वो भी आपको हम दिखाएंगे। सो ये मेन गेट है जहाँ से आप एंटर करोगे तो आप फॉल की तरफ जाओगे। ओके, यहाँ पे आपको छोटा मोटा भूंजा वगैरह मिलेगा, अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो। एंड अब हम चले कार के पास। हाँ, जिसको आसपास में घूमना है वो अपना घूम के जाके वहां नहा रहा है। मतलब वहां पे पार्किंग चार्ज लगा, यहाँ नहीं लगा। अंदर थोड़ा पार्क जैसा बनाया हुआ था, अच्छा बनाया हुआ है अंदर। तो मन रहा है ये मन रहा है आदिवासी दिवस। हाँ, मुख्यमंत्री है आए हुए। तो हम रुके थे अभी ऐसे ही कुछ फोटोज लेने के लिए एंड वीडियोस लेने के लिए, और ये देखिए इतना
मस्त ये नजारा है, क्या ही कहना। तो हम बस पहाड़ों के बीच से निकले थे और हमें सामने मिला हिल पहाड़ी ढाबा जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया। सो हम यहाँ पे आए हुए हैं खाने के लिए और फिर खाना वाना खा के फिर यहाँ से हम निकलेंगे। अभी बज रहा है 3, खाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ओके सो अब आप लोगों को दिख रहा होगा वही सेम घर, क्योंकि हम घर आ चुके हैं एंड अभी बज रहा है रात का 12 और अभी जस्ट हम लोग आए हैं 12:30, 11:30। तो अभी जाएंगे रेस्ट करेंगे और आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे। ओके सो आई होप कि आपको ये वीडियो सीरीज जो है रांची का वो पसंद आया था, एंड अगर आपको पसंद आया हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया बिकॉज वहाँ का वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जा रहा था, जिसके वजह से पूरा सर्दी नहीं हुआ है, मतलब बस थोड़ा सा खराश हो गया है, हाँ टफ हो गया है थोड़ा सा, तो वो ठीक हो जाएगा गर्म पानी वगैरह पियेंगे तो। एंड मिलता है आपसे एक न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।